मुझे ना सुई लगवाने से बहुत ज्यादा डर लगता है। गाइस गुड मॉर्निंग, सुबह के बज गए हैं 8:30 और आज जाना है मुझे वैक्सीन लगवाने के लिए। मुझे ना सुई लगवाने से बहुत ज़्यादा डर लगता है, बट क्या करें, ये ज़रूरी है तो लगाना ही पड़ेगा। तो कुछ चाय नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। आज सोमवार का दिन है, चलिए चलते हैं। ऑयल हो रही है, आप सोच रहे होंगे आज जग में चाय क्यों बन रही है। एक्चुअली दूध इसी में रखा हुआ था तो इसी में ही बन रहा है, और साइड से जो है ना वो आलू बॉईल करने के लिए रख दिए हैं, मतलब टमाटर आलू की सब्जी, आलू पराठा, व्हाटएवर। तो यहाँ पर चाय जो है ना वो मेरी रेडी हो गई है, बालकनी में बैठ के मैं चाय, नमकीन बिस्किट कुछ खाऊंगी, उसके बाद तैयार व्यार होंगी। पहर के 12 बज गए हैं, नहा लिया है और वैक्सीन के लिए जो है ना वो फ़ोन करके पूछा हुआ था, तो उन्होंने बोला है कि 12 बजे से 5 बजे तक जिनको फर्स्ट डोज लगता है उनकी ये टाइमिंग है, मतलब 12 से 5 की टाइमिंग है। तो अभी तो मुझे फर्स्ट डोज ही लगना है, तो 12 बजे के बाद ही जाऊँगी, मतलब 12 तो बज ही गया है ऑलरेडी। तो नहा वहा लिया है, खाना वाना खा लेते हैं और उसके बाद जो है ना जाने की तैयारी करते हैं। तो मतलब थोड़ा सा टाइम मिल गया, काम वाम कर लिया है, सब कुछ घर का काम हो गया है, खाना वाना बन गया है, नहा धो लिया है, सारा कुछ रेडी है। तो अब बस खाना खाऊंगी, तैयार होंगी, फिर चलते हैं। यहाँ पर हस्बैंड को वैक्सीन लग रही है, मुझे जब वैक्सीन लग रही थी तब हस्बैंड जो है ना वो रजिस्ट्रेशन करा रहे थे, तो इस वजह से मेरा सूट नहीं हो पाया, बट मैंने हस्बैंड का जो है ना वीडियो सूट कर दिया हुआ है। काफ़ी अंदर तक सुई चली जाती है, पूरी डाल देते हैं। अरे तुम हिलो नहीं, तो वैक्सीन जो है वो लग गई है और दर्द अभी भी हो रहा है, और हम लोग पापा जो है ना मजाक कर रहे हैं, और अब जो है ना मैं स्कूल से वापस जा रही हूँ, और दोपहर का वक्त है, धूप काफी तेज है, कुछ नहीं करते, एक आध वैक्सीन और उधर लगा दो। तो वैक्सीन लगवाने के बाद हम लोग आ गए हैं पिज्जा खाने के लिए, दर्द तो हो ही रहा है, कुछ अच्छा खा लेंगे तो मन अच्छा हो जाएगा। और वैभव को जो है ना पिज्जा खाना बहुत पसंद है, तो वैभव का मन था कि हम लोग पिज्जा भी खाएं, तो वो वैक्सीन लगने के बाद हम लोग पिज्जा सेंटर पे आ गए हैं। तो डोमिनोज का पिज्जा हम लोग आएगा तब फिर मैं दिखाऊंगे। क्या खाने आए हैं? आपको पिज्जा बहुत पसंद है, कौन सा वाला पिज्जा खाना है? हाँ, वो वाला खाना है। कितने खाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5 कितना खाना है? ओके। तो पिज्जा जो है वो आ गया है और वैभव से वेट नहीं हो रहा है। मिर्च नहीं डालना है, सिर्फ ऑरिगैनो डालें, चिली फ्लेक्स ना डालें बेटा। मुझे जो है ना पिज्जा खाना बहुत पसंद है, बाहर पिज्जा खाने नहीं जा पाते हैं, कढ़ाई में पिज्जा जो बनता है ना वो।
इतने लेट से वैक्सीन इसलिए लगवा पाई क्योंकि जब सेकेंड वेव आया हुआ था तो मुझे कोविड हो गया था, तो मैंने कुछ डॉक्टर्स वगैरह से कंसल्ट किया हुआ था, तो उन लोगों ने बोला हुआ था कि जब तक जो है ना आप थोड़ा सा टाइम दे दीजिए खुद को, मतलब 1 या 2 महीने के बाद आप वैक्सीन लगवाएंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो इस वजह से ना मैंने वैक्सीन लगवाने में इतना ज़्यादा टाइम मुझे हो गया, और अदरवाइज़ मैं पहले ही लगवा लेती और सेकेंड वेव में कोविड की वजह से ही मुझे इतना टाइम लग गया लगवाने में। और मैं आप लोगों से, सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जिन लोगों ने अभी तक जो है कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई है, प्लीज़ आप लोग जाइए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने आप को सुरक्षित करिए, अपनी फैमिली को सुरक्षित करिए और वैक्सीन ज़रूर लगवा लीजिए। और हाँ, मेरा सेकेंड डोज जो है ना वो उन लोगों ने बोला हुआ है कि 84 डेज के बाद आपको लगेगा, तो उसके लिए अब मैं जब इस सेकेंड वाला जब लगेगा उसका ब्लॉग भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वैक्सीन वगैरह लग गया है और ठीक है, ओके। अच्छा, वैक्सीन लगाते वक्त उन लोगों ने बोला हुआ था कि वैक्सीन लगाने के बाद आपको जो है ना फीवर आएगा और आप टायर्ड जैसा फील करेंगे। अगर फीवर आए तो आप पैरासीटामॉल ले लीजिएगा जिससे कि आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो पैरासीटामॉल मैंने मेडिकल स्टोर से लेके अपने पास रख लिया हुआ है और अभी शाम के 4 बज गए हैं, अब मुझे फीवर जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। मतलब अभी भी लग रहा है कि हाँ मैं रिलैक्स हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरीके का फील हो रहा है। मे बी अगर रात में आता है तो उसके लिए मैंने मेडिकल स्टोर से पैरासीटामॉल लेके रख लिया हुआ है। और हाँ, आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करने वाली हूँ, और क्या है ना कि ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो जाएगा तो फिर ठीक नहीं रहेगा। तो अगर आपको मेरा ये वैक्सीनेशन का ब्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो कर लीजिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और मिलती हूँ ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल वीडियो के साथ। और हाँ, कल का ब्लॉग मैं बता दूँ, आने वाला जो है ना अपकमिंग जो ब्लॉग होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं जो है ना फेस्टिवल स्पेशल शॉपिंग करने वाली हूँ जिसका ब्लॉग मैं आप लोगों के लिए क्रिएट करूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, आगे आपको बहुत कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलने वाला है। ठीक है, नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।